نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یا رسول اللہ کنی من تحل نحمده ونصلي على حبيبه الكريم أما بعد وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين مجھ سے بیمار نبی کو نہ دوا دی جائے مجھ سے بیمار نبی کو نہ دوا دی جائے صرف سرکار کے دامن کی ہوا دی جائے صرف سرکار کے دامن کی ہوا دی جائے بستر مرگ پہ تسکین دل و جان کے لیے بستر مرگ پہ تسکین دل و جان کے لیے یا نبی کی میرے کانوں میں صدا دی جائے جو گزرگاہ چلی جاتی ہو طیبہ کی طرف جو گزرگاہ رکھتا جو گزرگاہ چلی جاتی ہو طیبہ کی طرف بس وہی راہ گزر مجھ کو دکھا دی جائے دور کرنے کے لیے ساری بلائیں کوثر بزم میلاد نبی گھر میں سجا دی جائے اللهم صل على سيدنا ومولانا وعلى آل سيدنا سلام و سلام علیک یا رسول اللہ برادران اسلام اور معزز حضرات آدمیوں میں بڑا اختلاف ہے مشہور ہے رنگ اور نسل کا اختلاف زبان اور بات چیت کا اختلاف کھانے پینے کا اختلاف رسم اور رواج کا اختلاف زندگی گزارنے کے ڈھنگ کا اختلاف عقیدے اور مسلک و مذہب کا اختلاف مگر میرے خیال میں کسی ایک آدمی کو بھی اس بات سے اختلاف نہیں ہوگا کہ جو دنیا میں آیا اس کو مرنا ہے آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں سامان سو برس کا ہے پل کی خبر ساتھ ہی ساتھ یہ بھی لوگ تسلیم کرتے ہیں کہ مرنے کے بعد کب موت ہماری آئے گی مرنے کی مرنے کا ٹائم اور گھڑی کب ہوگی یہ بھی آدمی کے علم میں نہیں آدمی نہیں جانتا کہ کب میں مروں گا کیا ہو گیا عام خیال یہی ہے کہ آدمی اپنی موت کے وقت سے آگاہ اور باخبر نہیں لیکن ہر آدمی کے لیے یہ کہنا صحیح نہیں اللہ کے کچھ نیک بندے ایسے بھی ہو گزرے ہیں
कि जो इस बात से भी आगाह है कि हम कब दुनिया से जाएंगे, आदमी ये भी नहीं जानता हम लोग कि मरने के बाद क्या होता है, लेकिन पैगंबर इस्लाम ताजदार जो जहां जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सही हदीस में इरशाद फरमाया, बुखारी शरीफ में है, इज़ा मातल इंसान व तवल्ला अन्हु अस्हाबहु व इन्हु लयस्मौ खफ़कन अलैहिम, दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्म सल्ली अला सय्यदिना व नबीना मौलाना मुहम्मद व अला आले सय्यदिना व नबीना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। इंसान जब इंतकाल कर जाता है और उसके दोस्त और अहबाब उसको दफन कर देते हैं, और दफन करके जब वापस जाने लगते हैं तो अभी इतनी ही दूर पहुंचे होंगे कि वो उनके जूतों की आवाज़ सुनता है। अता हो मलेकान, तो उसके पास दो फरिश्ते आते हैं जो उसे होशियार करते हैं और उससे पूछते हैं कि बता तेरा रब कौन है, तेरा मजहब क्या है और तू इनको पहचानता है या नहीं। तो हमारे और आपके आका कयादार दो आलम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि व सहाबी व बारिक व सल्लम ने मरने के बाद क्या होता है ये भी बताया, और कौन कामयाब होगा कौन नाकामयाब होगा ये भी बताया। दूसरी हदीस हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु की है, आप इरशाद फरमाते हैं हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ मैं मक्के या मदीने के कब्रिस्तान से गुजर रहा था, सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक कब्र के पास खड़े हो गए, पास ही में एक और कब्र भी थी, आपने इन दोनों कब्रों की तरफ इशारा करके फरमाया हुमा युअज्जिबान व मा युअज्जिबान फी कबीर, इन दोनों पर अजाब हो रहा है और ये दोनों किसी बड़ी बात में नहीं अजाब दिए जा रहे, अम्मा अहदहुमा फकान यमशी बिन नमीमा व अम्मल आखरो फकान ला यस्तंदहु अनिल गौर। एक आदमी चुगलखोर था और दूसरा आदमी पेशाब से परहेज नहीं करता था, इस्तिंजा पाक नहीं करता था, जानवर चला रहा हो तो वो पेशाब कर दे तो बचता नहीं था। तो भाइयों गीबत और चुगलखोरी को तो जनाबे वाला कुरान अजीम में अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाना बताया गया है, तो ये तो गुनाहे कबीरा है, मगर हुजूर फरमाते हैं कि उमाई और जबान फी कबीरी किसी बड़ी बात में, तो उलमा इसका माना बताते हैं कि बड़ी बात यानी उनसे बचना कोई मुश्किल काम नहीं था, उनसे परहेज कोई बुरी बात कोई बड़ी बात नहीं थी। आपस में आप बैठते हैं, इनकी गीबत उनकी बात उनके खिलाफ उनकी शिकायत, मेरे सरकार फरमाते हैं तुमने पसे कुछ अपने भाई की बुराई बयान की तो ये गीबत है,
लोगों ने कहा यार सुनिंदा वो झूठा है तो हम उसे झूठा कहते हैं, वो बेईमान है तब उसे बेईमान। हुजूर ने फरमाया यही नस्बत है, और अगर गलत बात की नस्बत तुमने उसकी तरफ की तो ये इतरा हो जाएगा, ये और बड़ा गुनाह है। तो गुनाह तो बड़ा है नस्बत करना, लेकिन हुजूर फरमाते हैं जो भाई और बेकार फी तबली, मतलब ये है कि इससे परहेज करना कोई मुश्किल काम नहीं है, खाली जबान की हिफाजत करना है, कब्र में उससे अजाब होता है जितना बेगुनाह का ये काम है। और दूसरा आदमी पेशाब से नहीं बचता था, इस्तिंजा पाक नहीं करता था, हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने खजूर की तर शाख मंगाई और उसके दो टुकड़े किए और इसमें डाल दिया और इसमें डाल दिया और फरमाया लाल लहू युखफ्फु अन्हुमा मा लम यबसा, जब तक ये डालियाँ खुश्क रहेंगी तो उस वक्त तक इनके ऊपर अजाब में तकदीर होगी। उलमा फरमाते हैं इतना तो आपने कुरान की जबान से सुना होगा, दुनिया की कोई चीज ऐसी नहीं है जो अल्लाह की तस्बीह न कर रही हो, तो डालियां भी अल्लाह की तस्बीह कर रही होंगी। तो जब तक ये डालियां कर रहेंगी इनकी जिंदगी बाकी रहेगी, ये तस्बीह करेगी और इसकी तस्बीह के वजह से मरने वाले के लिए जनाबे वाला आसानी और बख्शिश होंगे। तो भाइयों अगर दरख्त की तस्बीह से मुर्दे को आसानी हो सकती है तो कुरान पढ़ा जाएगा तो मुर्दे को आसानी नहीं होगी, जिक्र किया जाएगा तो मुर्दे के लिए आसानी नहीं होगी, उसको सवाब नहीं पहुँचेगा। जरूर फिर मुर्दे को दुरूद शरीफ पढ़िए, اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا مولانا محمد وبارك وسلم۔ میرے آقا سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلام وہ بھی اتنے باخبر تھے کہ قبر میں مردے کے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے وہ جانتے تھے۔ روض الریاحین فی حکایات الصالحین میں لکھا ہے کہ ایک بزرگ اپنے مریدوں کے ساتھ ایک قبرستان سے گزر رہے تھے، ایک قبر کے پاس کھڑے ہو گئے اور کچھ دیر تک دعا کی، پھر مسکرا پڑے اور ایک قدم آگے بڑھے تو فرمایا وانتے منہم۔ لوگوں نے حیران ہو کے پوچھا سرکار یہ کیا بات ہو گئی؟ کہا کیا بتائیں، یہاں ایک فاحشہ عورت دفن ہے اور اس کے پانچ گنہگار آشنا دفن ہیں، مسلمان ہیں، قبر میں ان پر عذاب ہو رہا ہے ان کے گناہ کی وجہ سے، میں یہاں سے گزرا تو انہوں نے درخواست کی مجھ سے کہ سرکار ہمارے لیے بھی کچھ لب ہلا دیجئے، ہاتھ اٹھا دیجئے، اللہ کی بارگاہ میں گزارش کر دیجئے۔ میں نے دعا کیا تو ان پانچوں پر تو تکلیف ہوئی، عورت کی قبر ادھر کنارے تھی تو اس نے پکار کے مجھ سے کہا یا سیدی یا رامینم، ارے میں بھی تو انہیں کے ساتھ تھی، آپ نے ان کے لیے دعا کی تو میرے لیے بھی دعا کر دیجیے۔ میں نے کہا وانتے منہم، چل تو بھی انہوں میں سے، تو اس کی بھی کر دو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہمارے آقا سید عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس اسلام کی ہمیں تلقین دی ہے، جس کی ہمیں تعلیم کی ہے، بتایا ہے، وہ صرف زندگی کے اسی ساتھ تک نہیں رہتا ہے بلکہ جب آدمی کی آنکھ بند ہو جاتی ہے تو اس وقت بھی رابطہ انسان کا اس سے باقی رہتا ہے، اسی تلقین کی۔ اور جاننے والے تو کیسے گزرے ہیں، ابن تیمیہ بہت مشہور آدمی ہیں اور وہ قبروں کی زیارت کرتے ہیں، اور یہ واقعہ دوسری تاریخوں میں مروی ہے، حضرت خیر نساج رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت جلیل القد بزرگ تھے، ان کے انتقال کا وقت آیا تو گھر کے کونے کی طرف اشارہ کر کے فرماتے ہیں اس گرد رحمت اللہ،
थोड़ी देर रुके रहो, अल्लाह तुम पर रहम फरमाए। लियन्नका मा उमिरता लम तुकजा वलाकिन्नी मा उमिरतु बिही युकजा। थोड़ी देर सब्र करो, तुमको जिस चीज का हुक्म दिया गया है वो कदा नहीं होगी, तुम उसको फिर बाद में भी कर सकते हो, मगर मुझको जिसका हुक्म दिया गया है वो कदा हो जाने वाली चीज है, तो थोड़ा सब्र करो। और उसके बाद एक लोटा पानी मंगाया, वजू किया, दो रकात नमाज पढ़ी, चादर ओढ़ के सो गए और फरमाया इंदे मामरक अल्लाह, अल्लाह ने जो हुक्म दिया है आए हो तो कल गुजरो, मैंने अपना काम कर लिया। सुभान अल्लाह, आप सोचे और गौर करें तो अल्लाह के रसूल के गुलामों में ऐसे लोग हैं कि मैं ये तो नहीं कहता कि मौत से कहते हैं कि रुक जा, मगर जनाब मलकुल मौत से जरूर कहते हैं कि नमाज पढ़ने दे। सुभान अल्लाह, اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد وبارك وسلم صلاه وسلاما عليه يا رسول الله। मेरे पैगंबर ने फरमाया अब दुनिया मजरातुल आखरा, ये दुनिया आखरत की खेती है, यहां जैसा कमाओगे वैसे ही काटोगे। हमारे सरकार सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कहा उस पर अमल करके बताया। मेरे और तुम्हारे अकाताजदार दो आलम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि व सहाबिहि व बारक व सल्लम हज्जुल विदा के मौके पर ऐलान फरमाते हैं, ये लोगों हो सकता है कि तुम आइंदे साल मुझे न देख पाओ, तो देखो अंतुम तसाल उन्नी, तुम मर के जब खुदा के हुजूर हाजिर हो गए तो तुमसे मेरे बारे में पूछा जाएगा कि मैंने तुमको हिदायत की या नहीं, इस्लाम का पैगाम पहुंचाया या नहीं, दीन का सच्चा रास्ता बताया या नहीं। तो हुजूर सैयद आलम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 124,000 गुलाम उस वक्त हज्जतुल विदा में सरकार के जिलों और उनके साथ में थे, उन सब लोगों ने बैग जुबान कहा कद अद्दैता व बल्लगता व नसहतका या रसूलल्लाह, आपने खैरखाही हमारी खूब की, खूब खूब अल्लाह का पैगाम पहुंचाया और सब हम सब को आपने उसका कायल कर दिया। फरमाया अल्लाहुम्मा शहद अल्लाहुम्मा शहद, या अल्लाह ये दुनिया वाले मेरे तबलीग की गवाही दे रहे हैं, तू भी इस पर गवाह। तो हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने तबलीग के बारे में ये क्या इत्मीनान किया कि 124,000 इंसानों से उसकी गवाही बारगाह इलाही में मैदान अरफात में या मैदान मीना में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदा करवाई। ये हदीस आपको सिहाह सित्ता में मिली। हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ने के लिए जा रहे हैं, एक ख्याल आ गया कि 6 दिरहम घर में रखे हुए हैं या 6 शर्फियां। तो हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैंने सोचा कि जिंदगी का क्या एतबार, ये कहीं रुपये रात में रह जाए मेरे घर, इसलिए मैंने उनको अल्लाह के रास्ते में दे दिया। तो सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सारे बयान करने वाले मौर्खीन फरमाते हैं मा तरक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ला दीनारन वला दिरहमन, पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपने विसाल के बाद में दीनार छोड़ा न दिरहम छोड़ा, और जो दो एक बाग थे यहाँ वहाँ के उनके लिए फरमाया उमा तरकना हो नहलो माशर अम्बिया लाल रसो वला नूर से उमा तरकना हो सब का, हम अम्बिया के गरोह हैं, हमारी जो कुछ जमीन रह गई है ये सदका होगी अल्लाह के रस्ते में वक्फ है, इससे वही काम किया जाएगा जो मुसलमानों के फायदे का होगा, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इस दुनिया से तशरीफ ले गए तो दुनिया से अपना दामन बिल्कुल साफ कर लिया।
اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد وبارك وسلم. ہمارے آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پروردگار قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا ہے, ہم مجرموں اور گنہگاروں کو حکم دیتا ہے, وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرَ اللَّهُ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا. جن لوگوں نے اپنے نفسوں پر گناہ کیا بارگاہ رسول میں حاضر ہوئے اور انہوں نے اللہ کے سامنے مغفرت طلب کی اور اپنے گناہ سے توبہ کیا اور سید عالم نے بھی ان کی سفارش کر دی, تو وہ یقیناً یقیناً اللہ پاک کو بخشنے والا اور رحم کرنے والا. آج جب یہ حدیث آیت لوگوں کو سنائی جاتی ہے تو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو جب حضور تھے تب کی بات ہے, لیکن روایتیں کتب احادیث کتب تفسیر بماد زہر اس کو اعلان کر رہے ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ رتبہ اور یہ مرتبہ جو قرآن یہاں بیان کر رہا ہے ان کے حیات سے کہیں تک نہیں تھا, ان کے وصال کے بعد بھی ہے. چنانچہ حضور سید عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم کے وصال کے بعد ایک دیہاتی جو حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چاہنے والے تھے آئے, مسجد میں مسلمانوں کا مجمع تھا, ان سے پوچھا آئین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, سرکار بھلا کہاں ملیں گے؟ تو لوگوں کے دل تو چکلے چکلے تھے, زبانیں کیا ہلاتے, آنکھوں سے اشارہ کر دیا, ہاتھ اٹھا کے بتا دیا, حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایسی حجرے میں تشریف, مطلب یہ ہے کہ دنیا سے گزر گئے ہیں. وہ گئے قبر انور کو دیکھا تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ کے دفن کے بعد آپ کی قبر پر عرض کیا, یا رسول اللہ آپ کے پروردگار نے آپ کو رسول بنایا اور آپ پر کتاب اتاری, اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جس نے اپنے نفس پر ظلم کیا گناہ کیا وہ آپ کی بارگاہ میں آوے. سرکار میں تو آ گیا, آپ بھی لگ ہلا دیجیے, آپ بھی ہاتھ اٹھا دیجیے, آپ بھی سفارش کر دیجیے. یہ کہا رویا اور اس کے بعد سرکار کی شان میں دو شعر کہے, یا خیر من دفنت بالقاع عظمه فتاب من طیبه القاع ولکم, او پاک ذات کی دنیا میں جتنے لوگ زیر زمین دفن کیے گئے ہیں ان سب سے آپ افضل ہو, برتر ہو, بہتر ہو, بالا ہو, اور آپ کے جسم پاک کی خوشبو سے ساری زمین شکم بات اٹھتا ہے. میری جان اس قبر پر فدا ہو جس میں آپ رہ رہے ہو, جس میں آپ بس رہے ہو. نفس الفدا ہو لقبر انت ساکن ہو فتاب منتی جہن نلکا ولوکم, اور آپ کے جسم کی برکت سے ساری دنیا مٹ رہی ہے. حضرت امام سہمودی رحمت اللہ یا سبمودی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اپنی کتاب وفا الوفا میں لکھتے ہیں کہ اس وقت ایک صحابی اپنے گھر میں سو رہے تھے, حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے خواب میں تشریف لائے اور فرمایا کہ ابھی ایک دیہاتی آیا ہے اور میری قبر پر ایسا ایسا کہہ گیا ہے, آپ جاؤ اور جا کر کے ان کو بتا دو, اللہ انہو قد غفر له, بے شک میں نے سفارش کر دی اور اللہ نے اس کو بخش. بھائیو بیان کرنے کے لیے تو جو کچھ بھی کہے, دعویٰ کرنے کے لیے جو کچھ بھی کہے, لیکن حق یہ ہے کہ آج بھی کوئی معمولی آدمی بھی واللہ وہ سن لیں گے, فریاد کو پہنچیں گے, اتنا بھی تو ہو کوئی جو آخر ہے دل سے آ کرنے والے. میرے استاد حضرت مولانا سلیمان صاحب, آپ جانتے ہیں, ہاں, بھاگلپوری
वो बिहार के रहने वाले थे, सुबह है ना यूपी हिंदुस्तान का, तो फरमाते थे कि मौलाना जफरुद्दीन साहब हजरत आला हजरत के शागिर्द रशीद, वो फरमाते थे कि पटने में एक नवाब साहब थे और उनकी खिदमत में उनका एक नाई हजामत बनाने वाला कादिम भी लगा रहता था और वो इन लोगों पे बड़ा मुँह लगू था। तो ऐसे लोग होते हैं कि बड़े लोग जिनसे कुछ हंस भी लेते हैं, बोल भी लेते हैं, और वो नासमझ नहीं होते मगर अपने मालिक को खुश करने के लिए नासमझ बन भी जाते हैं। बीच में एक और किस्सा सुन लो, मोहद्दिस आज़म हिंद हजरत मौलाना सैयद मोहम्मद साहब अशरफी कचौसी का नाम तो आपने सुना होगा। हमारा मुबारकपुर पूरा इन्हीं के घराने का मुरीद था। हजरत आते मुबारकपुर में तो एक शाह साहब थे, वो मुरीद थे हजरत के, नजीबुल्लाह शाह नाम उनका था। तो बैठे हजरत मोहम्मद साहब इत्मीनान हो तो फरमाए नजीबुल्लाह शाह, कहा जी हजूर। कहा ये बताओ कि अगर किसी साल मुहर्रम और ईद दोनों एक दिन जमा हो जाए तो क्या करोगे? तो नजीबुल्लाह कहा इतने तो बेवकूफ नहीं थे, ये नहीं समझा कि भाई जिंदगी तो बुढ़े हो गए, दाढ़ी पक गई, कभी मुहर्रम और ईद एक साथ नहीं जमा हुई, दोनों बाप फासला है, जमा कैसे होगी? मगर फिर हाँ जरूर बताया जाए, अगर ऐसा हो गया तो क्या करेंगे? तो क्या बात है आप खुश हो? तो खैर हम बेवकूफी नहीं, ये बेचारा भी ऐसे ही था। नवाब साहब दो भाई थे, इन दोनों भाई का ख्याल हुआ कि हज चले के लिए चले, तो ख्याल ये हुआ कि खादिम की एक जरूरत होगी ही, भाई ने इसको भी ले लें साथ। बर्रा नाम था उसका, उस खादिम का नाम क्या था? बर्रा। मैं गवा रहा था तो बड़े भाई ने कहा, वो बर्रा कहा क्या? अरे कहा भाई हज का मौसम आ गया, तुम हज करने के लिए नहीं जाओगे? तो उसने कहा साहब सरकार देखिए हर बात का मजाक अच्छा होता है मगर मदीना मक्का का मजाक अच्छा नहीं। हमें आपने गरीब ही समझ के तो ये कह दिया कि ये जा तो सकता नहीं है, तो मुसलमान है जो वहाँ जाने के लिए नहीं चल देगा। तो कहा नहीं मजाक हमने नहीं किया था, अरे तुम रोज हमारे साथ रहते हो, हम दोनों भाई जा रहे हैं तो हज करने के लिए भी चले, तो साथ में हमले चलेंगे। ओहो निहाल हो गया, गए मक्के शरीफ में, गए हज किया, फरागत हुए तो मदीने शरीफ हाजिर हुए, सरकार की बात एक बार गा के हाजिरी हुई। अब जाने का वक्त आया तो एक दिन फिर नवाब साहब को मजाक सूझा, कहने लगे बर्रा कहा क्या? अरे कहा भाई हाजी हो गए, मदीने के जाहिर हो गए, ज्यारत कर लिया, यहाँ से कुछ परवाना वरवाना भी अपने लिए बनवाया है कि ऐसे ही चले जाओगे? तो कहें परवाना खाने कहें परवाना यहाँ से मिलता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से परवाना मांगो। तो बेचारे ने समझा वाकई कोई कुछ मिसपर से मिलता होगा, पहुँच गया, लारों ने लार रो रहा है, यार हम सोचता था कि आपकी बारगाह गरीब और अमीर सब बराबर, लेकिन आज आपने नवाब साहब को परवाना दे दिया और हमारा परवाना नहीं मिला, जो परवाना मिले मतलब हम यही सब पटक पटक के मर जाए। आंख लग गई तो हाथ में इससे किसी ने पकड़ा दिया, आँख खुली तो देखा रेशम का एक कपड़ा है, लिपटा हुआ हाथ में है। अब ये बेचारा जो पढ़ा लिखा क्या उठा, वाह वाह परवाना मांग रहे थे मिल गया, निहाल होके गया पहुँचा नवाब साहब को, हाँ नवाब साहब परवाना मिल गया। तो अब नवाब साहब के हैरान होने की बारी थी, हंसी की ठेस हकीकत में शक न बन जाए, हंसी की ठेस
हकीकत में शक न बन जाए, मजाक हमने किया तुम लगे कसम खाने। नवाब साहब ने मजाक कर नहीं किया था और जनाब वाला बनना ने उसको खोला पढ़ा, उस पर नूर के अल्फाज में लिखा था अलबल्ला तो बरी मिलन, बल्ला जहन्नम की आग से बना अलबल्ला तो बरी मिलन। तो भाई बात यही है कि वल्लाह वो सुन लेंगे फरियाद को पहुंचेंगे, ऐसा भी तो हो कोई जो आस करे दिल से। हुजूर सैयद आलम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जो दीन हमारे लिए और आपके लिए लाए, उसमें उन्होंने हमको अपने गुजरने वालों से बिल्कुल अलग अलग नहीं छोड़ा है। देखिए मौलाना लोग जो किताब पढ़ते हैं पढ़ के फारिग होते हैं, हिदाया आज 800 साल से ये किताब मौलवियों के दर्स में है, सब पढ़ते हैं। अब यहाँ आके जो झगड़ा करें उसमें ये लिखा हुआ है कि लिल मरे ऐ अजल सवाब आमाले ही मुन सदकतिन नौ सलातिन नौ सुयामिन नौ गैरहा ले मनशा। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल जलालहू व मनवालहू ने मुसलमानों को ये हक दिया है, इख्तियार दिया है कि अपने नेक अमल का सवाब अपने मुर्दा भाइयों को पहुंचाए। और बात भी ठीक है जी, एक दो बात है। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं ला तुम मकाबरा फकूलू अस्सलामु अलैकुम दार कौमिन मोमिनीन अंतुम सलफुना व नहनु बिकुम लाहिकून इंशाअल्लाह। हे मुसलमानों जब तुम कब्रिस्तान पे जाओ तो उस वक्त में तुम कहो अस्सलामु अलैकुम, तुम्हारे ऊपर सलाम हो ए मुसलमानों के घर वालों। और सुभान अल्लाह वो आबादी हो गई, अब मुसलमानों का घर हो गया। ए मुसलमानों के घर वालों अंतुम सलफुना व नहनु बिकुम लाहिकून, तुम पहले आ गए और हम बाद में आएंगे इंशाल्लाह। यक़ुल्लाहु लना व लकुम अल्लाह तुम्हें बख्शे और हमें बख्शे। तो ईसाले सवाब ये अज़र है और ये सुन लो, सिवाय मोतज़ला के कलमा पढ़ने वालों में किसी कौम ने इसका इख्तलाफ नहीं किया, सिर्फ एक मोतज़ला गुमराह फिरका है। तो आज अगर कोई इंकार करता है तो समझो कि वो मुतज़िली है, वरना ईसा सवाब जो पहुंचाओ तो मुर्दे को पहुंचता है, इसकी असल है। ये 40वें दिन, 20वें दिन, 10वें दिन, 30वें दिन, ये जब भी हो आपको तौफीक हो पहुंचाइए। ये अकीदा नहीं है कि इसी दिन पहुंचाओगे तो पहुंचेगा और दूसरे दिन नहीं पहुंच, ये तो अपनी आसानी के लिए होता है कि हमने एक दिन मुकर्रर कर दिया वहाँ ये इस्तेमाल करेंगे। हजरत मुहियुद्दीन इब्न अरबी रजी अल्लाह तआला अन्हु एक मजलिस में बैठे थे, दावत की मजलिस थी, वहाँ एक नौजवान बच्चा था वो इस बेस रोने लगा। तो हजरत ने उससे पूछा कि साहबजादे क्यों रो रहे हो? हाँ साहब मैं देख रहा हूँ कि मेरी माँ जो इंतकाल कर गई है उस पर अदाब कर रहा हूँ। हदीस शरीफ में आया कि हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो 70,000 बार ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ करके अपने किसी मरने वाले को बख्श दे तो उसकी मगफिरत हो जाती है। तो हजरत मुहियुद्दीन इब्ने अरबी कहते हैं कि मेरे पास, ये तो अल्लाह के नेक बंदे थे, जिक्र आजकल तो कव्वाली में लोग अल्लाह अल्लाह जहाँ नहीं पढ़ना चाहिए वहाँ पढ़ते हैं। तो अब वो जमाने में तो औलिया किराम में से थे, उनके पास ये ला इलाहा इल्लल्लाह कलमे का जिक्र था। आला हज़रत फरमाते हैं कि कलमे का इसका जिक्र करो तो पूरा कलमा साथ दो, करो तो
तो मैंने कहा कि बेचारी की माँ की परेशानी में भरे अल्लाह तबारक व तआला से परवरदिगार इन कलमों का स्वाब पहुँच जाए उसकी माँ को। तो हंसने लगा, तो मैंने कहा साहबजादे क्या हो गया? कहा सरकार अब तो मेरी माँ बड़ी खुशी से हंसी, अल्लाह ताला ने मफरत उसकी फरमा दी। तो हजरत मोहिउद्दीन अरबी इब्ने अरबी कहते हैं कि ये हदीस बुखारी की नहीं थी कि इतना कलमा पढ़ो तो बख्श दिया जाएगा, मुस्लिम की नहीं थी, मगर बुजुर्गों ने इसको लिखा था और हदीस की किताबों में थी। तो मैंने इस बात का यकीन कि वाकई ये हदीस है इस बच्चे के कष्ट से किया, नहीं समझा, यानी इस बच्चे की माँ पहले रो रही थी, मैंने बख्श दिया तो जनाब वाला वो खुश हो गई और उससे अजाब उठ गया, तो मुझे ये पता चला कि ये हदीस सही है, जबी तो मैंने वो अमल किया तो इसका फायदा उसकी माँ को पहुँचा। और इस हदीस से मुझे ये पता चला कि ये बच्चा जो बता रहा है कष्ट की बात अपने, वो सही है, वाकई उसकी माँ पर अजाब ऐसा हुआ, तब तो मैंने पढ़ा और उसको फायदा पहुँचा। तो हदीस से मैंने कष्ट के साथ सिलाकत का पता चला कि बच्चे का कष्ट सही है, और कष्ट से मैंने इस चीज का पता चला। तो इंसाले सवाब और बुजुर्गों को आमाले खैर पहुँचाने से इनकार करना ये आदमियों का काम नहीं है, मुसलमानों का ना होगा, आदमियों का काम नहीं होगा। भाई हर आदमी चाहता है कि अपने रिश्तेदार अपने इज्जत और फरमा नहीं जी, सारे मुसलमान अल्लाह की बारगाह में कुछ कमी नहीं है। हजरत अल्लामा शामी रहमतुल्लाह ताला अलैह अपनी किताब ज़ुर्रे मुख्तार के हाशिए में लिखते हैं कि वो जो मैंने तरगाली कब्र पर डालने का जिक्र किया था आपसे कि हुजूर ने डाला, तो उसी हदीस से उलमा ये फरमाते हैं कि मुर्दों की कब्र पर है जब डाली की तस्वीर से मफरत होगी तो फूल तस्वीर पड़ेगा तो नहीं मफरत होगी, तो बदल जाओला, इसलिए उलमा ने डालने का हुक्म दिया है। वो ये फरमाते हैं कि अगर एक सूरह फातिहे का सवाब आप सारी दुनिया को पहुंचाए तो हमारे और तुम्हारे वहाँ कमी है, अल्लाह के बारगाह में कमी नहीं है। वो तमाम मुर्दों को सूरह फातिहे की पूरे सूरह फातिहे का सवाब पहुंचेगा। एक रोटी पहुंचाई तो उसे टूट कर टुकड़े टुकड़े करके बांटा नहीं जाएगा मुर्दे में, बल्कि सबको उस रोटी का सवाब पहुंचेगा। अल्लाह तबारक व तआला के वहाँ तफरीक और कमी और बेशी नहीं है।